तो गाइस इस तरफ डल लेक है, इधर शिकारा वगैरह चलती है, राइड ले सकते हो, इधर बाजार भी लगता है, उधर हाउस बोट। ये सारे जो देख रहे हैं ये सारे हाउस बोट है। तो आप जब भी आओ यहाँ आओ, डल लेक के पास आओ, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से लगता है। पीछे देख रहे हैं लोग, ये हमारे सारे भाई लोग हैं साथ में, और सब अभी ये राइड करेंगे और उस पर चल के आपको दिखाते हैं आपका राइड। यहाँ आपको इस टाइप की शिकारा बोट मिल जाएगी जिसका प्राइस स्टार्टिंग होता है 800, 1000, 1200, 1600। आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। बहुत ही अच्छी बोट है, राइड बहुत ही, इधर का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो गाइस अभी हम लोग शिकारा में बैठे हैं, उधर भैया का वाले आए हैं हमारी राइड, ये भैया करवा रहे हैं। इधर सारे भाई बैठे हुए, इधर अनुराग बैठा हुआ है, इधर भैया राइड करवा। कैसे हुक्का है भैया? 800 वाला है, 1200 वाला है। यहाँ हुक्का 800 वाला 1200 में आपको हुक्का भी मिल जाएगा ऑन द बोटिंग। और देख सकते हैं व्यू कितना काफी मस्त। इस लेक का नाम क्या भैया? सर जी इस लेक का नाम है गोल्डन डल लेक। गोल्डन डल लेक कहते हैं। बोल शाम को हाउस बोट ये शिकारी राइड कर रहे हैं अभी, ये देख। और यहाँ की प्राइस कितनी है? गोल्डन जैसे नदी में बोटिंग की प्राइस कितनी से स्टार्टिंग होती है? स्टार्टिंग को पॉइंट कितने कितने पॉइंट है? तो यहाँ पे 4, 6, 8 पॉइंट है। आप लोग अपने पॉइंट के हिसाब से यहाँ बोट की प्राइस फिक्स होती है। तो आप लोग जब भी आए तो इनसे बात कर ले। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम आसिफ। आसिफ भैया से बात कर ले आप लोग, ये आपको अच्छी राइड करवा देंगे। आप जब भी आओ डायरेक्ट डल लेक के पास पहुँचो भैया। एक बार फिर से लेक की नाम बता देना। और इसे देखो पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो अभी हम लोग शिकारा राइड के लिए बोट में बैठ चुके हैं। यहाँ का काफी अच्छा व्यू लग रहा है। इधर देखो भैया लोग, आसिफ भैया हमें घुमा रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यू है इधर का। ये देखो ये साथ वाले भाई है मेरे, इधर देखो भाई यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह सब मिल जाती है। पीछे भैया शिकारा राइड करा रहे हैं, कड़ाके हुए। कितना हार्ड व्यू लग रहा है इधर। हम ये व्यू देखो, आराम से सोए हुए हैं, और इधर पीछे का व्यू देखो भाई। ये व्यू देखो भाई, क्या हार्ड। भैया इधर कॉफी पिला रहे हैं और चलते हैं। और ये देखो भैया यहाँ पे कॉफी दे रहे हैं। अच्छी व्यू आ रही है यहाँ से। इसके बाद आपको लेकर चलेंगे स्नोफॉल की तरफ, जहाँ बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। आज तो धूप भी अच्छी हो रखी है। ऐसे बैठे रहो। ये देख रहे हैं शिकारा राइड चल रही है, इधर भैया ले जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ। मोबाइल अपना संभाल के रखना। यहाँ देख रहे हैं ये भैया यहाँ से अपना शॉप खोले हुए बोल के ही क्या बनाएगा कोई। तो यहाँ भैया फोटो क्लिक भी करते भैया। क्या प्राइस है फोटो का? डिपेंड होता है जो आप सारी 120 वाला है ना, 120 में फोटो भी क्लिक करवा सकते हो कुछ भी। ठीक है भाई यार, पूरा भैया फ्लावर कितने की दे रहे हो? फ्लावर सीड भी दूंगा। कितने की? 120 में। देखो क्वालिटी क्या है। हां क्या का व्यू देखो इधर, यहां पे फ्रूट्स भी मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया व्यू है। अंकल आएंगे कुछ सीड क्या? देखो अंकल यहां पे सीड दिखा रहे हैं, देखो क्वालिटी। हेलो ये देखो, देखो पहले ये काम देखो उसकी बात। ये देखो भैया का छोटा सा मार्केट है, देख सकते हो। भैया वुड का क्राफ्ट बनाते हैं, वुडन का आइटम, बहुत ही अच्छी अच्छी क्राफ्ट बना रखी है भैया ने। सारी कश्मीरी वुड कितने तक की आ जाती है भैया? ये 1200 में दे रहे हैं, बहुत ही काफी बढ़िया लग रहा है। ये देखो अंदर चला जाता है, ये अंदर हो जाती है, फिर ऐसे करो ऊपर हो जाती है। देखो क्या भी हो रहा है आपको भाई लोग। घास दिख रही है आगे पड़ी हुई, कहते हैं फ्लोटिंग गार्डन। ये देख रहे हो घास जो है, ये फ्लोटिंग गार्डन है। जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है, इस पे फ्रूट वगैरह भी लगाए जाते हैं क्या? तो देख रहे हैं ये जो दिख रहा है, इसमें फ्रूट वगैरह भी लगाए जाते हैं। फ्लोटिंग गार्डन है ये डेल लेक का, देखो काफी अच्छा लग रहा है। दिखाओ बल्ले, खींचो ना। ये सारे हाउस बोट दिख रहा है। ये क्या चीज थी भैया वो वाली? ये
फ्लोटिंग गार्डन से। ये जो देख रहे हो आप लोग, ये फ्लोटिंग गार्डन है, यहाँ पे फ्रूट वगैरह भी लगाए जाते हैं ना। कहते हैं चलती फिरती खेती, इसको कहते हैं चलती फिरती खेती। और ये हाउस बोट है ना, ये हाउस बोट। इसकी रेट रेंट कितने से स्टार्ट होती है? 4000 से स्टार्ट होता है। फिर ये हाउस बोट है, यहाँ की रेंट 4000 से स्टार्टिंग है। और इधर का बैकग्राउंड का व्यू देखो, काफी खूबसूरत व्यू आ रहा है पीछे की। ये बर्ड देख रहे हैं सर? हाँ, वाटर बर्ड। ये 12 महीने पानी में होता है। ये बर्ड्स देख रहे हैं वहाँ पे, ये वाटर बर्ड्स है, 12 महीने तक वाटर में ही रहते हैं। और इसके अंदर जो है ना पानी, ये कवर ककड़ी का फूल खिलता है इसमें। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। बिहार कभी गया हो? ये मछली गया, बाहर ही नहीं गया। ये भैया बाहर ही नहीं गए हो? क्यों नहीं गए हो भैया कश्मीर से बाहर? घर की परेशानी और क्या। बिहार कभी गए हो? बिहार नहीं कभी। बिहार घूमो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जगह। आपको क्या लग रहा है, कश्मीर से अच्छा है कुछ? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम आया हूँ, फिर अभी तो बार बार आऊंगा मुझे लग रहा है। हम लोग तो 2-3 दिन के घूमने आते हैं। बिहार अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर से अच्छा है। हाँ नहीं नहीं अच्छा तो नहीं है, अच्छा लेकिन तो प्यार बहुत मिलेगा। यहाँ पे नहीं मिलता था? यहाँ भी मिल रहा है भैया, बहुत बढ़िया लोग हैं। क्योंकि मैं शिकारा चला आता हूँ भैया। इस पे बैठ सकता हूँ बाहर के लोग आते हैं भैया, इस पे खड़ा होकर लोग आते हैं। हर को लग रहा है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, हर स्टेट के आते हैं, हर कंट्री के भी आते हैं घूमने यहाँ। तो वही मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि कश्मीर में जैसा बंदा है ना, हाँ किसी जगह पे नहीं मिलेगा भैया। इसमें खड़ा हो सकता है इधर? किस पे? ये हमारी बोट चल रही है, अभी स्लिप है ना, अभी ओस गिर रही थी ना। ये देखो ब्रो, आओ ना इसमें, वापस में आओ। ये देखो, ये बोट भी चल रही है। क्या लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। इसी का क्लिक कर लो ना। ये देखो अमन सर जी, वी आर इन कश्मीर। एंड यहाँ का बहुत ही वेटर व्यू है। आप लोग कश्मीर आओ तो सबसे पहले ये राइड तो मत ही छोड़ना भाई। आसिफ भैया के पास तो जरूर आना, बहुत ही अच्छे। ये राइड कंपलसरी है गाइस, कंपलसरी है। इसे छोड़ दोगे तो यार मजा नहीं आएगा फिर। इधर का भी देखो, काफी इधर सारे मीना बाजार आ गया देखो। अच्छा यही है ना। तो भी हम लोग आ चुके हैं मीना बाजार में। ये भैया की शॉप है। और चलते हैं अंदर, शॉप के अंदर लेकर दिखाते हैं आपको। ये देखो फ्लोटिंग बाजार, यहाँ गर्म कपड़े मिल जाते हैं बहुत ही। यहाँ का व्यू देख सकते हो, ये कपड़े देखो, ये सब यहाँ मिल जाते हैं। तभी जाते हैं मैगी पॉइंट, मैगी खाते हैं। फिर आपको वहाँ पे भैया का मैगी शॉप है, उधर चलते हैं मैगी खाते हैं। How much for one? सारे भाई क्या हो रहा है? 80 रुपीज। सारे भाई अभी मजे ले रहे हैं, ये हुक्का चल रहा है। भाई अभी हुक्के के मजे ले रहे हैं। सैफरन नेवर है। और वो भाई बहुत अच्छे भाई लोग कर रहे थे दिल्ली के, ये सारे सब चलेंगे। और आगे पूरा गुलमर्ग का भी कल गुड लक डेट्स का प्लान है, फुल एंजॉय करना है वहां। अदरवाइज शॉप देयर 150 ग्राम बिकॉज़ देयर का भी भैया हुक्का दे रहे थे। ये भाई अभी दुबई में ही पहुंचा हुआ है, अभी तक दुबई से आया नहीं है। देखो जब तक मियां खलीफा नहीं आए तब तक ये नहीं आएगा। ये देखो ये पहचान होता है ये भैया, ये देखो ये आ चुकी है सारे भाइयों की, हाथ पर ठंडा है। सारे भाई की मैगी आ चुकी है। यहाँ मीना बाजार में मैगी आपको 60 रुपीज में मिल जाती है। आराम से खाओ और राइड का एंजॉय करो। यहाँ का टेस्ट बताता हूँ कैसा है, बहुत ही टेस्टी बनाया हुआ है का मैगी। और अभी हम लोग मैगी का राइड को, यहाँ हुक्का भी मिल जाता है। आईफोन का जुगाड़ भैया इंप्रेस कर रहे हैं कब से। बहुत ही टेस्टी है मैगी, ये खा कर आगे खा लिए भाई। खाया नहीं है, टेस्ट पहले बता दिया भाई, खाया था मैंने। ये भाई क्या आप बताओ खाकर कैसी है? इसलिए हम बोलते हैं ब्लॉगर पे विश्वास नहीं करना। ऐसा कोई बात नहीं भाई। अच्छा खाकर बताओ कैसा है? ले भाई ले, टेस्ट करके बताओ कैसा है भाई, अब बताओ कैसा है। हाथ लगा गर्म हो जाएंगे। खाओ भाई मैगी बहुत अच्छा बना है। यहाँ पर 60 रुपए मैगी मिलेगा मीना बाजार में, चख लें।
कैसा भैया टेस्ट? भैया टेस्ट बताओ, बड़ी टेस्टी है। चौमीन बना दी। कैसा भैया? एक नंबर है ना, बहुत ही अच्छा टेस्ट है आप लोग यहाँ। भाई डालना करना नहीं ब्लॉग का। भाई सब पैसे दे दे रहा हूँ। यहाँ की बहुत ही टेस्ट की मैगी है। मैगी तो मिस बिल्कुल मत करना आप लोग जब भी आओ तो। और ये व्यू देखो कितना ही शानदार लग रहा है। तुम भी देख के लो, रुक जाओ ठीक है। तुमको फोटो दिखाया अभी? अच्छा, अरे लो बुआ लो। आपको नहीं लग रहा था कि ओरिजिनल है? इतना सस्ता नहीं मिलता है जाबरों। अब भैया जो पूछे होंगे गलत कुछ बोले होंगे क्या? खत्म हो चुकी है हमारी। हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे, कहीं और चलते हैं। राइड खत्म हो गई, इस तरफ का व्यू देखो। तो भाई राइड खत्म हो गई। राइड कैसा था ब्रो? राइड तो भाई एक नंबर लाइट था भाई। हमको तो और मन कर रहा था करने का। चलो अगली बार फिर से करेंगे। बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया से राइड करवाया, फुल एंजॉय। अब चलिए ऊपर चलते हैं। मजा आया भैया राइड में? तो भैया ने बहुत अच्छा राइड कराया है। ये बोट थी हमारी, बहुत ही अच्छे आसिफ भैया ये, और बहुत ही अच्छे भैया। आप जब भी आओ यहाँ पे आओ। मोस्ट वेलकम। ये घाट नंबर 10 है, 10A। ये घाट नंबर 10 है, यहाँ आकर मिलो। बहुत ही अच्छा राइड कराते हैं आसिफ भैया, तो इनसे मिलो। और इनकी बोट भी बहुत काफ़ी मस्त है, रेड लगी हुई है, बहुत ही अच्छा करवाते। तो यहाँ आकर जरूर राइड करें। और चलते हैं आगे सोनमर्ग की तरफ, वहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे। बहुत ही मज़ा आया इस राइड को करके। यहाँ पर देख रहे हैं बोटिंग में सब्जी वगैरह भी मिलता है। यहाँ सब्जी वगैरह भी आप लोग बोटिंग में घूमते घूमते ही खरीद सकते। सारे लोग सारा बाजार यहाँ घूमते घूमते ही।